आप सभी ये बात तो जानते होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष को धारण किया था, लेकिन माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया था, जिस कारण से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि कालकूट विष को महादेव ने अकेले नहीं पिया था, उनके साथ शामिल थे उनके गण जैसे सांप, बिच्छू, यहां तक कि महादेव के मुंह से जहर की कुछ बूंदें बाहर छलक गई थी जिसे नंदी जी ने भी पी लिया था। यही कारण है कि सांप, बिच्छू जैसे जीव बहुत ज्यादा जहरीले पाए जाते हैं। भगवान शंकर को विनाशक के रूप में भी जाना जाता है और दुनिया को बचाने का काम करते हैं भगवान विष्णु। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु एक विशालकाय कछुए के रूप में थे, इसीलिए वे समुद्र मंथन की प्रक्रिया को बीच में छोड़कर नहीं आ सकते थे। भगवान विष्णु के कहने पर ही महादेव ने कालकूट विष को धारण किया था। इसी तरह हर साल भगवान विष्णु के सो जाने के बाद सावन का महीना आता है जिसमें भगवान शंकर दुनिया की देखभाल करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।